संभव है कि संसद पर आतंकी नुमा हमला करने वाले उपद्रवियों को कोई पार्टी कल को टिकट दे दे। जैसे इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए जिन दो लोगों ने 1978 में प्लेन हाईजेक किया उनको 1980 में कांग्रेस ने टिकट दे दिया। कुछ पार्टियां उन्हें भगत सिंह तो बता ही रही है। ललित झा के टीएमसी और नीलम आजाद के कांग्रेस कनेक्शन के आरोप के बाद अब बीजेपी ने इंडी के सांसद स्मोक कांड के पीछे होने का शक जताया है। विपक्ष के कई नेताओं ने स्मोक कांड के आरोपियों की तुलना भगत सिंह से की और किसी ने उन्हें बेचारा भटका हुआ बताया है। अब इसी बीच संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने साजिशकर्ता ललित झा को गिरफ्तार कर लिया है। ललित झा ने विजय पथ पुलिस स्टेशन में आकर खुद को सरेंडर किया। उस पर आरोप है कि वो संसद के बाहर मचे हड़कंप की वीडियो बनाने के बाद वहां से फरार हो गया था। फरार रहने के दौरान उसने चारों आरोपियों के फोनों को नष्ट कर दिया और सबूत मिटाने का प्रयास किया। पुलिस को शक है कि उसने जांच को भटकाने के लिए ऐसा किया है। जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम देने से पहले चारों आरोपियों ने पहले अपने फोन ललित झा को सौंपे थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह कारनामा करने के बाद वो लोग पकड़े जाएंगे। ऐसे में पुलिस के हाथ कोई सबूत न लगे इसलिए उन्होंने अपने फोन ललित को दे दिए थे। ललित घटना के वक्त तक संसद के बाहर खड़ा था लेकिन बाद में वो वहां से निकल गया। उसने राजस्थान के कुचामन में जाकर अपने दोस्त महेश के साथ सभी आरोपितों के फोन को जलाया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ललित झा को पकड़ने से पहले महेश के चचेरे भाई को हिरासत में लिया था। कैलाश ने ही उन्हें बताया कि ललित और महेश दिल्ली गए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ललित झा खुद ही थाने आया था जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को संसद के बाहर ललित झा अपने साथियों के साथ आया था। उसने वहां संसद के बाहर नीलम और अमोल की नारे लगाते हुए वीडियो भी बनाई। इसके बाद वे फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पकड़ने के लिए एनजीओ को संपर्क किया जिससे झा जुड़ा था। गुरुवार को दिल्ली पुलिस उसे पकड़ने के प्रयासों में थी तब तक ललित झा ने खुद आकर सरेंडर कर दिया जिसके बाद देर रात कई घंटे तक दो डीसीपी और एडिशनल सीपी सहित स्पेशल सेल के कई इंस्पेक्टर्स ने पूछताछ की। उसने पूछताछ में यही बताया कि वो न्यूज के जरिए पुलिस मूवमेंट की जानकारी ले रहा था। उसके मुताबिक वो यहां से भागकर राजस्थान के नागौर गया था। वहां वह दो लोगों से मिला और होटल में रुका। उसने बताया कि उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी तरह से घिर जाएगा। जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी तो वो घबरा गया और उसने अपने कुछ दोस्तों से पूछा था कि क्या करना चाहिए जिसके बाद वो राजस्थान से दिल्ली वापस पहुंच गया। इसके अलावा एक जानकारी जो हैरान करने वाली सामने आई है वो यह है कि आरोपियों ने इस घटना के लिए लखनऊ के एक मोची से विशेष जूते बनवाए थे जिनके तलवे में 2.5 इंच गहरी जगह थी। धुएं के कैन इसी स्पेस में छिपाकर संसद लाए गए। इनका प्रयास था कि जो 1929 में भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन के साथ किया था वो भारत सरकार के साथ कर दे। हालांकि सांसदों की तेजी के कारण ये पकड़े गए। इनके पास से पर्चे बरामद हुए जिन पर लिखा था प्रधानमंत्री लापता है, जो उन्हें ढूंढेगा उन्हें स्विस बैंक से पैसा मिलेगा। बता दें कि बुधवार को संसद में हुई घटना को अंजाम देने के लिए ललित झा और उसके साथी काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने संसद भवन की 2 बार रेकी भी की थी। संसद भवन की रेकी सागर और मनोरंजन ने इसी साल के मार्च और जुलाई महीने में की थी। इन्हें पहली बार में ही बड़ी सफलता मिल गई थी और वो संसद में घुसने में कामयाब हो गए थे। सभी आरोपित फेसबुक पेज के माध्यम से एक दूसरे से मिले थे और करीब संसद में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग आपस में कई बार मिले थे और आखिरी बार गुरुग्राम में विशाल के फ्लैट में एक साथ रहे भी थे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।